भाई बाइक का पहला टॉल करूंगा कि अपने कुछ हो रहा है भाई। तो भाई बाइक के पहले 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। देखो यहाँ पे ना भाई रात को ना ये बन जाते हैं। अगर रात को तुमने आके देखा ना भाई, मुझे इसका मतलब बताना क्या होता है, ठीक है? तो भाई स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई आपने कल देखा ही था कि मैं बाइक लेके आया था, एंड भाई आज है नेक्स्ट डे। तो इसी के साथ साथ भाई हमने प्लान किया कि नई बाइक आई है तो कहीं ना कहीं जाना तो बनता ही है भाई। तो इसी के साथ हमने पहली ट्रिप अपनी स्टार्ट कर दी है। और भाई बाइक देखो यहीं पे खड़ी है, मस्त एकदम चमक रही है, सामान वामान इसी के ऊपर रख दिया है। और भाई साथ में एक और भाई जा रहा है हमारा, और बहुत ही काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है भाई, और इसके लिए तो अलग से ही रिस्पेक्ट आती है। आर्मी पर्सन है भाई बंदा। तो भाई ये बंदा है हमारा, इसका नाम है आकाश। तो भाई ये जा रहा है हमारे साथ, एंड भाई गवर्नमेंट जॉब में है। तो भाई की है भाई के पूजा के लिए जा रहे हैं हम फिलहाल तो। हाँ वैसे तो भाई की पूजा करके आते हैं। हाँ तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा बाइक को भी दर्शन वर्शन कराएंगे। पूजा वूजा वैसे मैंने कल भी करा ली थी, एंड साथ में बाइक देखो भाई क्या मस्त चमक रही है। और भाई रोड पे कम से कम भी भाई 15-20 बंदे होंगे जिन्होंने मुझे रोक के पूछा भाई बाइक एक नंबर की लग रही है, कैसी है, कितने की है, क्या है क्या नहीं। भाई पूरी स्पेसिफिकेशन पूछ रहे रोड के ऊपर ही मुझसे रोक रोक के। एंड पीछे आप देख ही सकते हो वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे लिखा हुआ है। तो बस चलते हैं भाई। एंड भाई जा कहाँ रहे हैं आपको पता ही नहीं होगा अभी, तो आगे आगे पता चल जाएगा आपको हम कहाँ जा रहे हैं देखोगे तो आगे। एंड चलते आगे, पहनते हेलमेट, पहनो भाई दोबारा से। तो भाई बाइक के पहले 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। देखो ये देखो भाई साहब, ये भाई बाइक का पहला टॉल करूंगा। कुछ हो रहा है भाई, अनशन हो रहा है यहाँ पे। तो भाई पहुंच चुके हैं मथुरा। तो भाई यही था सरप्राइज कि हम मथुरा जा रहे थे, एंड तो अभी हम जा रहे हैं पहले बांके बिहारी मंदिर। और अभी बज रहा है 3:25। अभी देखते हैं जाके खुला है नहीं खुला है, कुछ आइडिया नहीं है, एंड देखते हैं बताते हैं आपको भी। हाँ भाई समोसे चल रहे हैं। तो देखो भाई चावल खाने में लगा हुआ है। क्या ये इसमें क्या कर सकते हैं? सिक्के दोगे नोट में? तो भाई ये है निधि वन यहाँ का, वृंदावन का। एंड भाई चल के आपको अंदर से दिखाते हैं किस तरीके से है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह का बना हुआ है। इसी वन के अंदर में भगवान श्री कृष्ण आज भी रात्रि को लीला करने वाले। जो भक्त लोग रात्रि के समय में इस वन के अंदर में रुक जाते हैं वो तो सुबह भगवान के परलोक राम को चले गए। जिन्होंने दर्शन किए उनकी इधर में समाधि बनी है। इसी वन के अंदर में से स्वामी हरिदास जी ने 12 साल और 2 मूर्ति प्रकट। यहाँ पे ना भाई रात को ना ये बन जाते हैं। अगर रात को तुमने आके देखा ना, या फिर चुपके से देखने की भी कोशिश करी तो ऐसा बताते हैं कि मर जाते हैं भाई सुबह। हाँ सुबह तक काम खत्म हो जाता तुम्हारा। उसी दिन इन गोपियों को प्यास लगी, बंसी से कुंड खोदा। राधा रानी की 2 सखियाँ, पहला सखी विशाखा सखी और दूसरा सखी ललिता सखी। ललिता सखी ने जल किया नाम परास का ललिता। बोलो राधा रानी की, वृंदावन धाम की जय। राधे राधे राधा रानी की। बहुत
ही अच्छा है यहाँ पे, अगर आप आ रहे हो ना तो ज़रूर आना, और देख के जो सुकून मिलेगा ना और जो नॉलेज है यहाँ पे मिलेगी आपको बंदों से पूछ के, बहुत अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे गाइड वाइड भी हो जाते हैं, तो गाइड का कुछ चार्ज है, वो लगता है 100 रुपीज़ के आसपास चार्ज है गाइड का, वो लगता है एंड आपको पूरा टूर दे देता है और बता देता है क्या क्या हिस्ट्री है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो भाई पहुँच चुके हैं अपनी सेकेंड लोकेशन पर घूम घाम के। तो भाई अभी हम पहुँचे वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल। तो भाई ये देख सकते हो, ये इस्कॉन टेम्पल। तो भाई अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो एक बार ये आपको अंदर जाके दिखाते हैं अगर वीडियो वगैरह अलाउड होगा तो। तो भाई अब आ चुके हैं प्रेम मंदिर फाइनली, और भाई देख सकते हो लाइटों से क्या मस्त लग रहा है, एंड आगे चल के दिखाते हैं आपको इसके बारे में और क्या क्या है। और भीड़ देखो भाई साहब कितनी तगड़ी हो रही है अंदर, ओ भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, और भाई भीड़ देखो कितनी ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पे, एंड मुझे इसका मतलब बताना क्या होता है, ठीक है, बाकी मेरे को तो पता चल ही गया है, अब इसका मतलब मुझे ज़रूर बताना क्या है, और नीचे से मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है ये, ठीक है, चलो बता देता हूँ। वैसे कैंटीन को कह रहे हैं, और इतना बड़ा नाम ले रखा है भाई हिंदी में, और ये कैंटीन है देखो भाई, खाने पीने का अंदर मस्त एकदम सारा। तो भाई ये है प्रेम मंदिर, आप देख लो बहुत ही सुंदर है, और लाइटिंग जो है ना ज़्यादातर ना ये इसको रात में ही आके विजिट करो ना तो ज़्यादा अच्छा है, और लाइटिंग जो है मस्त है, और साइड में जो कृष्ण जी की रासलीला है वो दिखाई जाती है, और आप देख सकते होगे आपने वीडियो में देखा ही होगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से वहाँ पे पूरा रासलीला का दिखाया हुआ है कृष्ण जी का, एंड बंदे भाई साहब यहाँ पे रेस्ट करने में लगे हुए हैं, और भाई जूते वूते भी चोरी हो गए थे किसी के, तो भाई जूते संभाल लेना अपने आओगे तो, एक अलग रखना एक अलग रखना, जैसे हमने किया एक जूता रखा लेफ्ट साइड में, एक 100 मीटर दूर ले जाके राइट साइड, हाँ तब बच जाएगा, नहीं तो उड़ा के ले जाएगा कोई, जूता उड़ा लिया राजा। भाई वैसे जूता रखने का है यहाँ पे जूता, अगर हमारी तरह कटवाना मत कि उधर जाके एक एक अलग रख दो, भेड़ चाल वाला सीन मत करना, यहाँ पे जमा करा सकते हो थोड़ा सा आगे आओगे तो। तो भाई इसी के साथ प्रेम मंदिर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं अपनी बाइक ढूंढते हैं, पार्किंग की तरफ निकलते हैं, एंड बताते हैं आगे आपको। तो भाई पार्किंग में पहुँच चुके फाइनली, एंड घूम लिया यहाँ पे वृंदावन में जितना हो सकता था,
और टाइम थोड़ा कम था इसलिए जितना हो सका उतना ही घूमे। एंड अब चलते हैं घर की और दिल्ली की और एंड चलाते हैं, क्योंकि बाइक चलाते हुए ज़्यादा टाइम वाइम मिलेगा नहीं। एंड दिखाते हैं आपको, घर पहुँचते हैं एंड वहीं पर मिलते हैं आपसे।